74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण किया। कोरोना वायरस की वजह से इस बार कार्यक्रम में ज्यादा लोगों को शामिल नहीं होने के लिए आमंत्रण नहीं किया गया। साथ ही हर वर्ष की तरह इस वर्ष स्कूली बच्चों को भी कार्यक्रम में नहीं शामिल किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम बघेल ने देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। हमारी उपलब्धियां देश में सर्वोच्च है। आदिवासी अंचलों में वनोपज का कारोबार निश्चित तौर पर आपके सिर उठाकर जीने का अवसर देता है, लेकिन इसके साथ ही प्रसंस्करण की सुविधा जोड़ देने से अब बस्तर का काजू, बस्तर की इमली, बस्तर का मक्का, बस्तर की हल्दी जैसे ब्रांडिंग होने लगी है, जो नई पीढ़ी के लिए रोजगार और आपको मुनाफा बढ़ाएगी, आपकी संस्कृति के साथ आपके आर्थिक समृद्धि भी बढ़ाएगी। हम आदिवासी अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य कौशल, दक्षता, जरूरी संरचना के नए नए द्वार खोल रहे हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की सफलता उत्साहवर्धक है। वही आकांक्षी जिला बीजापुर ने देश में अव्वल होने का परचम लहराया है। भगवान राम दुनिया में अरबों खरबों लोगों के मन मंदिर में विराजते हैं। हम कण कण में और रग रग में उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। उनका छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। माता कौशल्या का मायका यानी राम जी का ननिहाल छत्तीसगढ़। इस नाते भगवान राम हमारे लोक आस्था में भाजा राम के रूप में बसे हैं। इसके अलावा वनवास के दौरान राम जी का काफी समय छत्तीसगढ़ में ही बीता। लौह कुश के जन्म और महर्षि वाल्मीकि के छत्रछाया में उनकी शिक्षा दीक्षा जैसे अनेक प्रसंगों के साथ लोक आस्था को आनंदित और गौरवान्वित करते हैं। माता कौशल्या, भगवान राम और उससे जुड़े विभिन्न प्रसंगों की स्मृतियों को चिर स्थायी बनाने के लिए हमने कोरिया से सुकमा तक राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास की योजना बनाई है और उसे शीघ्रता से क्रियान्वित भी कर रहे हैं। जनपुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर को भव्य रूप देने का कार्य शुरू किया गया है। इस पावन कार्य में प्रदेश की जनता को सहभागिता का अवसर देने के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का भी गठन किया जाएगा। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से परिपथ का प्रचार प्रसार किया जाएगा। हम विश्व प्रसिद्ध बौद्ध आस्था केंद्र सिरपुर को विश्व मानचित्र में प्रतिष्ठित कराने के प्रयास के साथ ही यहाँ समुचित अधोसंरचनाओं का विकास कर रहे हैं। हरेली, तीजा, भक्त माता कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस जैसे दिवसों पर अवकाश घोषित करके हमने जिस सांस्कृतिक उत्थान का आरंभ किया था उसे अब शिखर पर पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। नवा रायपुर में फिल्म सिटी का विकास किया जाएगा। रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्मारक की स्थापना की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। पारंपरिक छत्तीसगढ़ खान पान एवं व्यंजन को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक जिले में गढ़कलेवा केंद्र खोला जाएगा। विडम्बना है कि राज्य के गठन के 20वें वर्ष तक भी छत्तीसगढ़ी भाषा को उसको वाजिब हक नहीं मिला, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने का आग्रह किया है। हमने गोरेला पिंडा मरवाही जिले के गठन से इस अंचल के पुराने सपने को पूरा किया है। मरवाही अनुभाग, मरवाही नगर पंचायत के साथ करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को सौगात दी गई है। आज मैं घोषणा करता हूँ, मरवाही में महंत बिसाऊ दास जी के नाम से औद्योगिक उद्यानिकी महाविद्यालय भी खोला जाएगा। मेरा वादा है यह नया जिला जनहितकारी योजनाओं और सर्वांगीण विकास के नए नए शिखर को छुएगा। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि राज्य में होने वाली नई नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के लिए गठित की जाने वाली समितियों में महिला प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। मुझे कहते हुए खुशी है, हमने सुरक्षा बलों का मनोबल और सुविधाएं बढ़ाकर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को काफी सुधार लिया है।
पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। उनके अवकाश अनुकंपा नियुक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं तथा रिस्पांस भत्ते के रूप में बड़ी राहत दी गई है। राज्य आपदा मोचन बल के जवानों को 50% जोखिम भत्ता दिया गया है। वही महिला डेस्क, महिला हेल्पलाइन, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन, अंजोर रथ, पुलिस जनमित, ग्राम रक्षा समिति, स्पंदन आदि कार्यक्रमों से सामुदायिक पुलिसिंग को सुदृढ़ किया गया है। मैंने कहा था नक्सल मोर्चे पर हमारा पहला प्रयास प्रभावित पक्षों के बीच परस्पर विश्वास और सद्भाव वाले का होगा। प्रभावित अंचलों में स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने वाले विकास कार्य संचालित किए जाएंगे। आज मैं कह सकता हूँ नक्सलवादी वारदातों में अंकुश तथा आदिवासी अंचल में विकास के नए रंग हमारी रणनीति के सफलता का प्रतीक है। हमने आजादी की लड़ाई से न्याय की जो यात्रा शुरू की थी अब जन जन तक पहुंचाने जा रहे हैं। यही नवा छत्तीसगढ़ करने के हमारे सपनों और इरादों का आधार है। आप सबके प्यार, सहयोग, समर्थन और सीधे भागीदारी से यह संभव होगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इस खबर में इतना ही।